हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन लगता है कंगना रनौत बीजेपी को हरियाणा में हरवा कर ही मानेंगी। दरअसल चुनावी मौसम में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के एक बयान से सूबे की सत्ताधारी बीजेपी को असहज कर दिया है। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी, किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। वहीं कंगना के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने कन्नी काट ली है। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिपेक्ष में दिया गया बयान पार्टी मत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। वहीं इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कंगना रनौत ने सारी हदें पार कर दी। किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि इसे अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि यह बेहद दुखद है कि आदतन किसानों का अपमान करने वाली इस सांसद ने अब भारतीय किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें पार कर दी हैं। अब कायदे से देखा जाए तो कंगना ने पंजाब की परिस्थितियों का जिक्र किया है, लेकिन उनका ये बयान चुनावी राज्य यानी कि हरियाणा में भी बीजेपी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकता है। हरियाणा में बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती है, साथ ही किसानों और पहलवानों के आंदोलन को लेकर नाराजगी, सरकारी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के लाभ दिए जाने को लेकर नाराजगी से पार पाने की चुनौती भी पार्टी के सामने है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए हरियाणा में फजीहत की वजह बन गया है। वहीं पंजाब के बीजेपी नेता हरजीत सिंह ने इसे कंगना रनौत का निजी बयान बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी किसानों के हितैषी हैं, कंगना को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। वहीं हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने कंगना के बयान पर चुप्पी साध ली है। चर्चा है कि बीजेपी नेताओं ने कंगना के इस बयान की शिकायत शीर्ष नेतृत्व से भी की है। वहीं कांग्रेस ने कंगना के बयान पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा है कि आखिर बीजेपी वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किया है, और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। उन्होंने कंगना के बयान पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से कंगना ने किसानों पर यह घटिया आरोप लगाया है? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी है? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद विधायक इस मामले पर खामोश क्यों हैं? वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति के एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी पार्टी के लिए 10 साल एंटी इनकम्बेंसी को सफलतापूर्वक पार कर तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती के बीच हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से लेकर 100 से ज्यादा योजनाओं का लाभ पोर्टल के जरिए दिया जा रहा है, जिसे लेकर आम जनता में नाराजगी है। जाट किसान अलग नाराज हैं। ऐसे में किसान और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के किसी भी नेता का बयान किसानों की भावनाओं पर चोट जैसा है। कंगना रनौत तो फिर भी सांसद हैं, चुनाव के समय इस तरह के बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, लाभ तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर हरियाणा में
किस चुनौती से घिरी हुई है बीजेपी? सबसे पहला मुद्दा किसान। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का केंद्र पंजाब और हरियाणा था। हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर उनके मंत्रियों तक को विरोध का सामना करना पड़ा था किसानों के मुद्दे को लेकर के। कई गांवों में लोगों ने बीजेपी नेताओं का प्रवेश निषेध के पोस्टर भी लगा दिए थे। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को कई जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा था। किसानों की नाराजगी हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे में भी दिखी। 2014 और 2019 में सूबे की सभी 10 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी 5 सीटें ही जीत सकी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जाट। हरियाणा में कांग्रेस का कोर वोटर रहे जाट वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी एक वक्त में, यानी कि 2019 के टाइम में। लेकिन हालिया आम चुनाव में ये ट्रेंड बदल गया है। जाट बीजेपी से नाराज हैं और ये नाराजगी लोकसभा चुनाव के नतीजे में भी नजर आई। अब बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स के फार्मूले पर बढ़ चली है। हरियाणा में सरकार की कमान ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी ने जो 3 केंद्रीय मंत्री बनाए हैं वे भी गैर जाट चेहरे हैं। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण की घटनाओं को लेकर ब्रिजभूषण के खिलाफ विनेश फोगाट और पहलवानों के आंदोलन ने भी जाट वोटर्स की नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया है। तीसरा मुद्दा अग्निवीर। हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में सेना का रुख करते हैं। सेना और हरियाणा का भावनात्मक जुड़ाव है एक तरह से। बीजेपी वन रैंक वन पेंशन को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है हरियाणा में। लेकिन हरियाणा चुनाव में इस बार अग्निवीर बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। सेना भर्ती की अग्निवीर योजनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। अग्निवीर योजना के खिलाफ हरियाणा के युवाओं ने आंदोलन भी किया था। लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ मुखर रही है। कांग्रेस संसद में भी अग्निवीर योजना बंद करने की मांग कर चुकी है। ये कह चुकी है कि उसकी सरकार आई तो इसे बंद कर देगी। चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी 2014 से ही सूबे की सत्ता में है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल दिया था। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो इसे 10 साल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की तरकीब के रूप में देखा गया था उस वक्त। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी सरकार और विधायकों से एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आई है। इस सर्वे में विधायकों के काम पर जहां 33% लोगों ने संतोष जाहिर किया, वहीं 40% लोगों ने असंतोष व्यक्त किया है। सीएम के काम से संतुष्ट लोगों की तादाद 22% थी और 40% लोग असंतुष्ट थे। सरकार के काम पर संतोष जाहिर करने वालों की तादाद महज 27% और असंतोष जाहिर करने वालों की संख्या जो है वो 44% थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस कदर जो है हरियाणा के अंदर जनता के बीच बीजेपी को लेकर के नाराजगी है। और ऐसे में कंगना रनौत का बयान जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को यहां से बड़ा झटका लग सकता है। और तीसरी बार जो बीजेपी चाह रही है कि वो सत्ता में लौटे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। पहले ही से एक तरह से मुश्किलों से घिरी हुई है बीजेपी यहां हरियाणा के अंदर। उस पर से बीजेपी नेताओं के खुद के ही ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि उसके बाद बीजेपी को खुद ही सफाई देनी पड़ रही है कि उनके ये निजी बयान है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो तो आखिर बीजेपी नेता ही है, तो इसका असर इस बार चुनाव में बहुत बड़े तौर पर देखा जा सकता है और बीजेपी की सत्ता भी जा सकती है हरियाणा से। तो इस पर आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।